आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव इमरतपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 12 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर है। 3400 वोट और 10,000 की जनसंख्या की इस गांव की कमान सरमोद कुमार शर्मा के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की बागडोर इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान सरमोद कुमार शर्मा और सचिव सुरेंद्र सिंह के द्वारा स्कूल व सड़कों का भी काफी विकास कार्य कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के इमरतपुर उदो ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी ग्राम पंचायत इमरतपुर उदो में स्वागत है जी। थैंक यू। 4 साल आपके कार्यकाल को यहाँ पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायत में आपने करवाए? मेरे यहाँ पे स्कूल का आधुनिकरण हो गया है जी, और सीसी टाइल्स सड़कों पर बिछवाई चल चुकी है काफ़ी हद तक जी, और करीब 20 सॉकपिट का निर्माण करवा चुका हूँ मैं, जो गवर्नमेंट की साथ अब आके नीति आई है जी, वो सॉकपिट का निर्माण मैं पहले ही करवा चुका हूँ जी। 10 सोलर लाइटें लगवा चुका हूँ और कूड़ेदान वगैरह, कूड़ेदान पहले ही लग गया था, वो तो आवास मिले हैं का गांव में, विकास भवन की तरफ से ही आए थे आवास 46 आवास बन गए हैं, 40 प्रधानमंत्री आवास योजना के ओडीएफ हो गई है। रानी, जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं गरीबों के लिए चली हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा सरकार द्वारा मिल रहा है, क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोग इसका लाभ ले पाए? नहीं, सबको नहीं ले पाए, लेकिन 90% लोग इसके लाभ ले चुके हैं। कुछ किसी कारणवश, टेक्निकल कारण की वजह से उन्हें नहीं मिल पाया है। बाकी आपकी कोशिशें सभी के लिए हैं कि सभी को 100% इनका जो है प्रॉफिट मिल जाए जी। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत आपने जितना सौंदर्यीकरण करवाया है, उसमें जैसे कि पिछले इस पंचवर्षीय में सरकार ने खासतौर से शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए ये मिशन कायाकल्प चलाया है, इसमें पिछले कई सालों से, बीते सालों से अब तक आपने क्या बदलाव देखा है, जैसे कि शिक्षा का स्तर या जो बच्चों की संख्या है पहले भी इतनी थी जितनी अब है, या पहले से अब में कुछ फर्क? जब मैं अक्टूबर 2015 में प्रधान बना था, तो उस समय स्कूल में मवेशी बना करते थे जी। स्कूल दूसरे लोगों के कब्जे में था, वो मैंने उसी समय समाजवादी की सरकार में स्कूल से उनका कब्जा छुड़वाया। कब्जा छुड़वाने के बाद स्कूल में मात्र बच्चे पढ़ा करते थे, उस समय 50-60 बच्चों का मिड डे मील बनता था और 50 बच्चे पढ़ा करते थे। आज की स्थिति है कि 450 बच्चे दोनों स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूल और काफी संख्या मतलब यहाँ पर बड़ी है इन सुविधाओं के चलते। मिड डे मील वगैरह सब सही स्थिति में रहता है, आप समय देते हैं जाकर? बिल्कुल, मिड डे मील बहुत बढ़िया बनता है, मिड डे मील सारे लगभग सारे ही बच्चे खाते हैं। विकास योजना जो युवाओं के लिए सरकार ने चलाई है, क्या उसके अंतर्गत कोई युवा नौकरी पर लगे हैं? नहीं, अभी सामूहिक विवाह हुए हैं? नहीं, सामूहिक विवाह। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बने? हाँ, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड लगभग सभी के बने। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं गांव में? नहीं, ये कोई नहीं बना। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र 3 बने हुए हैं, 4 खेल का मैदान है, नहीं खेल का मैदान भी नहीं है। उसकी वजह पूर्व के प्रधान जितनी भी ग्राम समाज की जमीन थी वो लोगों को आवंटित कर चुके हैं। ग्राम समाज की जमीन गाँव में बहुत नाके बराबर रही है, मतलब जो ग्राम समाज की जमीन थी वो पूर्व प्रधान द्वारा लोगों को दे दी गई है, मांग दी गई है, पहले ही आवंटित कर दी जी जा चुकी है। ग्राम समाज की भूमि ना होने के कारण ही यहाँ खेल का मैदान नहीं है, अस्पताल भी यहाँ पर नहीं होगा। अस्पताल की सैंक्शन मंजूर है और संभवतः शायद इस साल के लास्ट तक वो बनना शुरू हो जाएगा। अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग तो यह है कि अभी गांव में गंदगी की व्यवस्था काफ़ी, मैं जो सुधारना चाहता हूं वो अभी सही से सुधरी इसके लिए है। आप क्या चाहेंगे, किस तरह से आप चाहेंगे कि यहां साफ सफाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल एकदम 100% सही हो? जैसे कि अभी ये बीमारी महामारी फैली हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी और हम लोग आपस में भी ये संदेश देते हैं कि साफ सफाई ही सबसे बड़ा बचाव है इसका, तो उसके लिए आप क्या मदद चाहते हैं सरकार से, किस तरह से यहाँ गांव में मदद मिले आपको जिसमें आप इसमें कारगर साबित हों? सरकार पानी की टंकी लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए वो और अच्छा हो जाएगा उसमें जी, जी, जी। और सफाई में गवर्नमेंट का सहयोग मिल जाए, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी और 10,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी मुझे नहीं लगता कि सफी जी।
जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। इन चार सालों में काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, ODF भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया जा चुका है। लेकिन इसके अलावा यहाँ अभी भी कुछ समस्याएं मौजूद हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जो कि यहाँ अब तक निर्मित नहीं है, जिसका कारण ग्राम समाज की भूमि ना होना है, जो कि कुछ लोग, जो कि पूर्व प्रधान द्वारा यहाँ लोगों में बांट दी गई है। एक बहुत ही आपराधिक ये काम है। शासन या प्रशासन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। सफली के साथ मनाजरीन टुडे 24 से। नाम बताइए अंकल। मेरा नाम जयसिंह है। जयसिंह जी, यहाँ चार सालों में जो विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ है गाँव में, अब इन चार सालों में जितना विकास हुआ है, इससे पहले भी आपके गांव में कुछ विकास हुए हैं पहला काम ना हुआ था? पहले इतना विकास नहीं हुआ जितना हुआ आपके गांव में। इन प्रधान जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? क्या नाम है आपका? आशा भूषण जी। आशा भूषण जी, ये बताइए, यहाँ चार वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? कितना विकास कराया है? कुछ कराया? खूब कराया। कैसे कैसे? जैसे रास्ते भी सही हो गए और स्कूल में काम बन गए। सबसे बढ़िया कराया सब प्रधानों का। अच्छा, बड़ी सब प्रधानों से, यानी पिछली प्रधानों से बेहतर काम कराया? बेहतर कराया, सही कराया। आप संतुष्ट हो इनके कामों से, खुश हो? क्या नाम है आपका? जी विजय जी। विजय जी, ये बताइए कि यहाँ विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है, पहले किसी विधान ने ऐसा काम नहीं कर पाए। और शौचालय पूरे घर घर में हो गए, कोई भी नहीं बचा, और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। रास्ते भी बहुत बढ़िया हो गए, और स्कूल में देखो, आप भी देख लो, दिख जाओ आपको कितना अच्छा काम हुआ। और विधवा पेंशन थी, सबकी बन गई है, 60 साल आए सबकी बन गई है। ग्राम प्रधान के कार्यकाल से खुश हो? खुश, खूब। और आने पब्लिक चाह रही है हमारी, जो दोबारा इन्हें चुने, दोबारा बने जी। जनता की आवाज़ है, आवाज़ है हमारी जनता।